एकदम कोशिश होगा इनका लाने के लिए। हाँ एकदम पूरे मन से। धानुक समाज जो उसके साथ एक साथ मिल के इस बार ललन सिंह को पूरे पूरे एकदम उखाड़ के फेंक दे रहा है। ललन बाबू है उनको फेरा में इस बार धानुक समाज रहने वाला नहीं है और एक मुंह से मैंने पीयूष जी को इस बार मदद करने जा रहा है। और ये मुंगेर विधान लोकसभा से पीयूष भैया को पूरी पूर्ण बहुमत से जिताना। माँ दुर्गा की कसम है और मैं उनका सौगंध लेकर के कहता हूँ कि इस बार उनका काया पलट कर देना। उनका ताकत है ललन सिंह नहीं मान लो कि सुधर के माँ बेटी के मान लो इज्जत नहीं समझता, उसको इज्जत हम क्या समझेंगे। कोई दारू पर नहीं बिकेगा, कोई खस्सी पर नहीं बिकेगा, जो भी होगा निष्पक्ष रूप से पीयूष भैया को वोट देना है। धरती पर है इस वक्त और लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है अलग अलग नेता जो हैं वो क्षेत्र में आ रहे हैं। क्या लगता है टी शर्ट पहने वोट कीजिएगा? हाँ करेंगे। करिएगा? हाँ। क्या लगता है कि उम्मीद है आने वाले काम करेंगे? हाँ काम करेंगे। क्या लगता है अभी जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं समानतावादी सोचा है, सांसद हो वो कर रहे हैं, क्या लगता है कि इनको लाने का कोशिश कीजिएगा? हाँ करेंगे। क्या कर रहे हैं? एकदम कोशिश होगा इनका लाने के लिए। हाँ एकदम पूरे मन से। क्या लगता है कि पहले अभी जो विधायक या पहले समानतावादी सोच के लोग आए हुए अब इनको नया लाने का आपके समाज से आ रहे हैं? एकदम पूरे जोर शोर है, एकदम मन तन से एकदम पूरे। क्या लगता है जिस तरह से अभी दिखाए हैं ताकत उसी तरह से वोट के इससे ज्यादा दिखाई अभी इससे ज्यादा पहले इससे ज्यादा मिलेगा सब दिखाई देगा। हाँ टोटल चीज ये तो अभी टेलर चालू हुआ। क्या कह रहे हैं? टेलर हुआ है अभी बाकी है दिखाने वाला तो अभी बाकी है। मूवी दिखाइएगा सब कुछ दिखाएंगे एकदम पूरे मंदिर से देखिएगा। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनका समर्थन क्या लगता है कैसा रहेगा आगे आने वाला? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जिता रहे हैं पीयूष एकदम जिता रहे हैं। पूरा ताकत है ललन सिंह नहीं मान लो कि सुधर के माँ बेटी के मान लो इज्जत नहीं समझता, उसको इज्जत हम क्या समझेंगे? हम उनका इज्जत क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। हाँ पीयूष प्रियदर्शी के साथ है। हाँ देखिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीयूष प्रियदर्शी के साथ है। क्या लगता है कैसा समर्थन रहेगा? बहुत अच्छा समर्थन रहेगा इस बार पीयूष के साथ पूरे धानुक समाज। पूरे धानुक समाज पीयूष के साथ। क्या लगता है अभी बड़ी संख्या में आप लोग जुटे हैं चुनाव के वक्त भी समर्थन है? चुनाव के बाद तो इससे और ज्यादा पूरा भीड़ रहेगा। हाँ। पूरा एकदम तन मन से पीयूष के साथ। हाँ पूरे तन मन के साथ। क्या लगता है अभी जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं कैसा काम? सांसद तो हम लोग को खास करके मुख्य रूप से धानुक समाज के आज तक वो लोग बरगलाते आए हैं। हाँ। लेकिन धानुक में अब चेतना आई है। हाँ। पीयूष भाई जिस तरह से धानुक को जगा रहे हैं इस तरह धानुक की बहुत चेतना आई है। अब सांसद महोदय जो अभी ललन बाबू हैं उनको फेरा में इस बार धानुक समाज रहने वाला नहीं है और एक मुंह से मैंने पीयूष जी को इस बार मदद करने जा रहा हूँ। एक मुंह से मदद करेंगे। क्या लगता है टी शर्ट पहने हैं पीयूष प्रदर्शी का वोट दे रहे हैं? हाँ वोट पूरा सपोर्ट है। तो पूरा सपोर्ट है पूरा। क्या लगता है अभी बड़ी संख्या में भीड़ जुटा है वोट में भी दिखेगा ताकत? पूरा ताकत है पूरा सपोर्ट है। तो पूरा ताकत हाँ धानुक समाज पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगा धानुक समाज साथ करना तो है जरूरी काहे कि ऊपर में भी ऊपर जाते हैं तो कोई पूछे नहीं धानुक समाज के कोई पूछे नहीं तो नीचे में तो कम से कम जब आ गए हैं तो उनको तो पूरा सपोर्ट करना ही करना ही वाला को सपोर्ट करना है लाना है ऊपर जाना है जो ऊपर तक पहुंचा देना अभी इनके साथ है और सभी धानुक समाज को एक साथ मिल के इस बार ललन सिंह को पूरा दीजिएगा पूरे एकदम उखाड़ के फेंक दे रहा है। ऐसा ही धानुक समाज का मूड है क्योंकि सिर्फ खस्सी खिलाने से काम नहीं चलेगा। इस बार धानुक समाज एक है और एक रहेगा और ये मुंगेर विधान लोकसभा से पीयूष भैया को पूरी पूर्ण बहुमत से जिताना है। पीयूष को जिताना है? हाँ एकदम जिताना है। इस बार पूरे धानुक समाज इस बार एक है। कोई दारू पर नहीं बिकेगा, कोई खस्सी पर नहीं बिकेगा, जो भी होगा निष्पक्ष रूप से पीयूष भैया को वोट देना है और ललन सिंह को बता देना है कि यहाँ धानुक समाज जिसको तुम सुद्धर बोलते हैं आप लोग वो कितना ताकतवर है
इस बार 2024 में धानुक समाज पीयूष भैया को मुंगेर लोकसभा से जिताकर ही दम लेगा। ललन सिंह को हरा देंगे। ललन सिंह को हराना है, खस्सी खिलाने से कोई काम नहीं चलेगा, कोई उपाय नहीं है। खस्सी और शराबबंदी, खस्सी और शराबबंदी सब सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो लोग हैं वो क्या कहा है, झोलवा टांगे वाला जी बोटा देवे ला कहा है, हाँ तो वह बोटा देते क्या हमें देवी तो झलवा टांगे ला देते हम तो देवी पीयूष भैया आप इनको दीजिएगा हम पीयूष भैया देवी हाँ पीयूष के साथ है हाँ जो निचले स्तर है उसको उठा रहे हैं हाँ नहीं बिकेगा ललन सिंह झोला टांगने ला खाता खाची तो वही देगा वोट तो ये कल देगा हम कल देंगे उसको आप नहीं दीजिए हम कल देंगे पीयूष के साथ है हाँ पीयूष को जिताना है हाँ 2024 में ला रहे एकदम तय एकदम तय है। देखिए जो लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं को जिता रहे जरूर 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 हाँ माँ दुर्गा की कसम है और मैं उनका सौगंध लेकर के कहता हूँ कि इस बार उनका काया पलट कर देना है। हाँ 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 नहीं कुछ नहीं काम किए हैं कुछ नहीं काम किए उम्मीद है जरूर 16 आना 16 आना क्या लगता है कि तो उम्मीद है जिताएंगे एकदम उम्मीद है अरे वोट तो हमारा सब धानुक जाति का है लेकिन नीतीश कुमार अभी वोट के समय सौतेला भाई बना करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद काम करने के बाद कहीं कुर्मी कहीं धानुक बदना देते हैं इसलिए धानुक लोग अब जाग चुके हैं अपना वोट जब भी डालेंगे तो अपना बेटा के झोली में डालेंगे तो मुंगेर से कोई भी लंगड़ा लूल्हा आएगा उनको जिताना है पीयूष जी को एकदम जिताना है जीतेंगे पीयूष जी को 3 लाख वोट हम लोग का है मुंगेर लोकसभा में इस बार पीयूष जी को कोई नहीं रोक सकता है एकदम जिता देंगे। देखिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं पुलिस प्रदर्शी का और साफ तौर पर कह दिए कि ललन सिंह तो काम कितना किए और समानतावादी सोच है तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए दंडिया टॉप को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।